गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हेटरोसिस एंड हाइब्रिड बिगर। और इस एक टॉपिक में मैं जो है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का ये टॉपिक है, इसमें आपको हेटरोसिस और हाइब्रिड बिगर के बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगा, डिस्कस करूँगा। और ये ASRB नेट और ASRB साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे एक दो क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष अवश्य आते हैं। तो व्हाट इज द हेटरोसिस? हेटरोसिस द सुपीरियरिटी ऑफ द F1 हाइब्रिड इन वन और मोर करेक्टर्स ओवर इट्स पेरेंट्स। मतलब हेटरोसिस से क्या है, F1 हाइब्रिड की सुपीरियरिटी है ओवर इट्स पेरेंट्स, अपने जो है पेरेंट्स पर एक या एक से अधिक करेक्टर्स में। इसको हम हाइब्रिड बिगर भी कहते हैं। सेकंड टर्म है लग्जरियंस। लग्जरियंस मीन्स होता है द सुपीरियरिटी ऑफ F1 ओवर इट्स पेरेंट्स इन वेजिटेटिव ग्रोथ। मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ में जब F1 जनरेशन की सुपीरियरिटी अपने पेरेंट्स पर होती है या पेरेंट्स से ज़्यादा होती है तो इसे लग्जरियंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर यील्ड और अडेप्टेशन में कोई भी सुपीरियरिटी नहीं होती है, इसको स्यूडो हेटरोसिस भी कहते हैं, स्यूडो हेटरोसिस। नेक्स्ट है डोमिनेंस हाइपोथीसिस। डोमिनेंस हाइपोथीसिस, दिस कंसेप्ट इज गिवन बाय डेवनपोर्ट इन 1908। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथीसिस हेटरोसिस ड्यू टू द सुपीरियरिटी ऑफ डोमिनेंट एलील ओवर रिसेसिव एलील्स। मतलब कि हेटरोसिस जो होती है वो डोमिनेंट एलील की रिसेसिव एलील पर सुपीरियरिटी के कारण होती है। इसको इसमें क्या होता है, हेटरोसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पेरेंट। मतलब प्रत्येक पेरेंट के द्वारा जो जीन डोमिनेंट जीन कंट्रीब्यूट किए जाते हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं हेटरोसिस के, अकॉर्डिंग टू डोमिनेंट हाइपोथीसिस, डोमिनेंस हाइपोथीसिस। सेकेंड हाइपोथीसिस है ओवर डोमिनेंस हाइपोथीसिस। दिस हाइपोथीसिस गिवन बाय ईस्ट एंड सुल इन 1908। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथीसिस हेटरोसिस ड्यू टू सुपीरियरिटी ऑफ हेटरोजाइगोट ओवर बोथ होमोजाइगोट। मतलब दोनों होमोजाइगोट पर जो है हेटरोजाइगोट की सुपीरियरिटी वो क्या कहलाती है, ओवर डोमिनेंस हाइपोथीसिस। एपी स्टेटिस क्या होता है, इंट्रैक्शन बिटवीन द एलील्स। मतलब एलील्स के मध्य में इंट्रैक्शन, और किन एलील्स के मध्य, ऑफ टू और मोर डिफरेंट लोकाई, इंट्रैक्शन बिटवीन एलील्स ऑफ टू और मोर लोकाई। मतलब कि दो अथवा दो से अधिक लोकस के एलील्स के मध्य के इंट्रैक्शन को हम एपी स्टेटिस बोलते हैं। देन मिड पेरेंट हेटरोसिस। मिड पेरेंट हेटरोसिस मीन्स हेटरोसिस ओवर द मीन वैल्यू ऑफ द पेरेंट। मतलब जो पेरेंट हैं उनके मीन वैल्यू या मिड वैल्यू से ज़्यादा जब हाइब्रिड विगर होता है तो उसको हम मीन हेटरोसिस या मिड पेरेंट हेटरोसिस भी कहते हैं। इकोनॉमिक हेटरोसिस, दिस इज द सुपीरियरिटी ऑफ F1 ओवर द पॉपुलर वेराइटी ऑफ अ रीजन। किसी एक विशेष जगह के पॉपुलर वेराइटी पर F1 जनरेशन की सुपीरियरिटी वो क्या कहलाती है, दिस इज इकोनॉमिक हेटरोसिस। इकोनॉमिक हेटरोसिस को हम यूजफुल हेटरोसिस भी बोलते हैं। देन इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग इज द मीटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज या क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स सच एज सेल्फिंग, सबमेटिंग,
outbreeding it is the mating between the distantly related individuals. Inbreeding depression, मतलब जब हाइब्रिड बिगर में डिक्रीज और लॉस हो फिटनेस एज अ रिजल्ट ऑफ इनब्रीडिंग. इनब्रीडिंग के कारण जब हाइब्रिड बिगर में डिक्रीजनेस आए या क्या बोलते हैं कमी आए तो उसको हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं. हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड द प्रोजनी ऑफ क्रॉस बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर, मतलब जेनेटिकली डिसिमिलर पेरेंट्स और जीनोटाइप्स के क्रॉस से जो प्रोजनी बनती है उसको हम हाइब्रिड कहते हैं. हाइब्रिड वेराइटीज इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड दो तरह की होती हैं. इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड ए हाइब्रिड बिटवीन टू वेराइटीज मतलब और जीनोटाइप्स ऑफ द सेम स्पीसीज. जब सेम स्पीसीज के दो जीनोटाइप्स अथवा दो वेराइटीज के मध्य के क्रॉस से जो हाइब्रिड बनता है उसको हम इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड बोलते हैं. जहाँ पर स्पीसीज सेम हो लेकिन वेराइटी डिफरेंट हो वहाँ पर क्या है उन दोनों से बनने वाले हाइब्रिड को हम इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड, इसको इंटर वेराइटल हाइब्रिड भी कहते हैं. ये तीन तरह के होते हैं. मतलब सिंगल क्रॉस हाइब्रिड. सिंगल क्रॉस हाइब्रिड में क्या होता है कि हाइब्रिड प्रोजनी जो होती है वो फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन टू इनब्रेड्स और प्योर लाइन्स और वेराइटीज, दो इनब्रेड या दो प्योर लाइन्स या दो वेराइटीज के क्रॉस से जो बनती है उसको हम क्या कहते हैं सिंगल क्रॉस हाइब्रिड. फॉर एग्जाम्पल ए एंड टू बी, ए का क्रॉस जब बी से कराया जाए दिस इज सिंगल क्रॉस हाइब्रिड. तीसरा है थ्री वे क्रॉस हाइब्रिड. हाइब्रिड प्रोजनी बिटवीन अ सिंगल क्रॉस एंड एन इनब्रेड. जब एक सिंगल क्रॉस और एक इनब्रेड के मध्य क्रॉस से जो हाइब्रिड बनता है उसको हम थ्री वे क्रॉस हाइब्रिड कहते हैं. जैसे ए एन टू बी एक सिंगल क्रॉस हो गया और उसमें एक इनब्रेड पी और सी आ जाए तो इसके क्रॉस को हम क्या कहेंगे दैट इज थ्री वे क्रॉस हाइब्रिड. डबल क्रॉस हाइब्रिड, द हाइब्रिड प्रोजनी फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन टू सिंगल क्रॉसेस, दो सिंगल क्रॉसेस के मध्य के हाइब्रिड को हम कहते हैं डबल क्रॉस हाइब्रिड. अब है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड, ए हाइब्रिड बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द सेम जीनस, एक ही जीनस के सेम जीनस के दो डिफरेंट स्पीसीज के मध्य के क्रॉस से बने हाइब्रिड को इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड बोलते हैं. इनब्रेड, इनब्रेड क्या है इन एलोगेमस स्पीसीज, अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन ऑब्टेंड बाय कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग. मतलब एक ट्रू ब्रीडिंग लाइन जो है किससे बनाई जाती है कंटिन्यूअस ब्रीडिंग से बनाई जाती है. किसके कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग से, ठीक है. टॉप क्रॉस क्या है, टॉप क्रॉस अ क्रॉस बिटवीन एन इनब्रेड लाइन या प्योर लाइन एंड एन ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी. एक ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी और एक इनब्रेड लाइन दोनों के क्रॉस से जो दोनों के मध्य में जो क्रॉस होता है उसे टॉप क्रॉस बोलते हैं या फिर उसको इनब्रेड वेराइटी क्रॉस भी बोलते हैं. इनब्रेड वेराइटी क्रॉस. डबल टॉप क्रॉस अ क्रॉस बिटवीन अ सिंगल क्रॉस एंड ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी, मतलब एक सिंगल क्रॉस और एक ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी के मध्य किया गया क्रॉस वो क्या कहलाता है डबल टॉप क्रॉस. मल्टीपल क्रॉस, एक क्रॉस इन्वॉल्विंग मोर देन फोर इनब्रेड लाइन, एक क्रॉस जिसमें चार से ज़्यादा इनब्रेड लाइन होते हैं उसको हम कहते हैं कंपोजाइट क्रॉस भी कहते हैं या मल्टीपल क्रॉस कहते हैं. पॉलीक्रॉस, ओपन पॉलिनेटेड पॉलिनेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेलेक्टेड जीनोटाइप्स इन आइसोलेशन फ्रॉम अदर कंपेटिबल जीनोटाइप्स टू प्रमोट द रैंडम मीटिंग एमंग सेलेक्टेड जीनोटाइप्स, दिस इज नोन एज पॉलीक्रॉस. हेट्रोसिस शब्द जो दिया था 1914 में सुल ने दिया था. डोमिनेंस हाइपोथेसिस 1908 में डेवनपोर्ट ने दी थी. ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस 1908 में ईस्ट और सुल ने दी थी. ओवर डोमिनेंस टर्म जो दिया था वो हुल ने दिया था 1945 में हुल ने दिया था. और ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस को हम सुपर डोमिनेंस या सिंगल जीन हेट्रोसिस या स्टिमुलेशन ऑफ हेट्रोजाइगस जाइगोसिस
या क्यूमुलेटिव एक्शन ऑफ डाइवर्जेंट एलीन आदि नामों से जानते हैं। हेटरोसिस से जो है वो फिक्स की जाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, एपोमिक्सिस के द्वारा और पॉलीप्लॉयडी के द्वारा। हेटरोसिस रिजल्ट्स ड्यू टू, मतलब हेटरोसिस का जो रिजल्ट आता है वो डोमिनेंस के कारण आता है, ओवर डोमिनेंस के कारण आता है, ओपी और एपी स्टेटिस के कारण आता है।